आचार्य जी, हमने तमाम दर्शकों के सवाल तो ले लिए, अब एक सवाल जो हर किसी से जुड़ा हुआ है, और सवाल ये है आचार्य जी कि आम जीवन पर, मार्केट पर, देश पर किस तरह का असर इस ग्रहण का रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए इस खग्रास ग्रहण के प्रभाव से लगभग सभी तरह के मार्केट ऊपर उठेंगे। आज भरणी नक्षत्र मेष राशि पर रहेगा, इस पर शनि की विशिष्ट दृष्टि पहले से ही चल रही है। इस मूवमेंट से मार्केट तेज होगी, रुई, चांदी और घी सब तेजी पकड़ लेंगे। इसके अलावा सरसों, बिनौला, मूंगफली, चांदी में भी फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। अब ये मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, सूर्य ग्रहण के दौरान भी आपको बताया था कि किस दिन कौन कौन से राशि किसके साथ, कौन कौन सी ग्रह किस राशि में, किस नक्षत्र में गोचर करेंगे और किन किन चीज़ों पर असर आएगा। आज मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, 11 नवंबर को शुक्र के वृश्चिक राशि में आने का असर आईटी कंपनीज के शेयर्स और सॉफ्टवेयर कंपनीज के शेयर्स पर पड़ेगा। 13 नवंबर को शुक्र के साथ बुध भी वृश्चिक राशि में आ जाएगा और ठीक उसकी सातवीं राशि यानी वृष राशि में इसी दिन वक्री मंगल आएगा और मंगल के बुध शुक्र के साथ सम सप्तक संबंध बनेगा। ग्रहों की इस स्थिति के कारण तेल, सरसों, सोयाबीन, रुई, सोना, चंदन और कपूर के बाजार में फ्लक्चुएशन होगा। 14 नवंबर, मैं एक बात ये पहले स्पष्ट कर दूं कि जो मैं इस तरीके के मार्केट की बात बता रहा हूं, सटोरिए, कृपया इसका दुरुपयोग न करें। ये गृहस्थों के लिए दी गई इन्फॉर्मेशन है, जो अपनी किचन के लिए कब सामान खरीदना है, कब गुड़ खरीदना है, कब शक्कर खरीदना है, वो जान सकें। ये सदगृहस्थों के लिए। 14 नवंबर को शुक्र के अनुराधा नक्षत्र में आने से गुड़, शक्कर, चावल और नमक के भावों पर असर पड़ेगा। संभावना है कि पहले भाव कम हो और फिर हल्के से भाव बढ़ेंगे। 15 नवंबर को बुध भी अनुराधा नक्षत्र में आकर शुक्र के साथ बाजार के भावों पर अपना असर दिखाएगा। ध्यान रहे, मंगल के साथ इसका समसप्तक संबंध, दृष्ट संबंध भी बना हुआ है। इन ग्रहों का इम्पैक्ट सोना, चांदी, इलायची, चना, अलसी और रुई पर होगा। 16 नवंबर को सूर्यदेव भी बुध और शुक्र के साथ वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। सूर्यदेव के इस मूवमेंट से, इस गोचर से सोना, चांदी, अलसी, कॉपर, ऊनी कपड़े और गुड़ के भावों में एक बार अचानक तेजी बनकर थोड़ी सी मंदी हो सकती है, लेकिन कॉपर मंदा नहीं होगा। यह समय सावधानी बरतने का है, कॉपर मंदा नहीं होने की संपूर्ण संभावना है, कॉपर को बढ़ना है थोड़ा सा। 19 नवंबर को सूर्य बुध और शुक्र के साथ अनुराधा नक्षत्र में आ जाएगा, मंगल के साथ इन तीनों का समसप्तक संबंध बना है। ये समय बाजार में थोड़ा सा कीमतें गिरने का समय होगा। 24 नवंबर को गुरु के मार्गी होते ही बाजार में बहुत सी चीज़ें बदलने लगेंगी। 24 नवंबर को ही बुध और शुक्र दोनों ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे, ये चीज़ गुड़, शक्कर और चावल के भावों में तेजी बना सकती है, जबकि चांदी, सरसों, तिल, तेल और हींग के बाजार में फ्लक्चुएशन होगा। 25 नवंबर को पश्चिम में शुक्र के उदय होते ही शक्कर की कीमतें गिरने की संभावना बनेगी, जबकि जूट में, चावल में, तिल में और चांदी में तेजी होगी। 2 दिसंबर को, देखो दिसंबर की चर्चा करने के पहले एक बात बता दें, हम ये पढ़ तो रहे लेकिन हमको लगातार उन दर्शकों की भी याद आ रही है जो अपने सवाल जिन्होंने लिख के हमें भेजे। आज अगर समय न मिला, हम जवाब न दे पाए, तो देखो कल हम बहुत देर तक रहेंगे, आप ये जो जो सवाल पूछना हो सब पूछ लेना, कल हम रहेंगे, जुड़िएगा समय रहते और फोन करके पूछ लीजिएगा कि कितने बजे शुरू होगा, या अभी बताएंगे ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।